ओके स्टूडेंट्स, ये अपना 3 अक्टूबर का लैक्चर है जिस आप पार्टीशन ऑफ सैट्स शुरू करांगे कि पार्टीशन ऑफ सैट्स की होंगे है। ए पार्टीशन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सैट ए, ठीक है, पार्टीशन आप किसी भी एक नॉन एम्प्टी सैट की करते हैं, इज कोलैक्शन पी इज इक्वल टू ए वन ए टू सोन ऑफ सबसैट्स ऑफ ए, ठीक है, की चीज़ है ये ए वन ए टू ए थ्री सोन, ये किन्ने मर्जी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो तो ज़्यादा भी हो सकते है, ठीक है, जिन्ने मर्जी हो सकते, यह सारे दे सारे की है सबसैट्स ऑफ ए। ए सैट अपने लता ना नॉन एम्प्टी सैट ए लता है, यह इट इज़ द कलैक्शन ऑफ ऑल द सबसैट्स ऑफ ए, ए जिन्ने भी सबसैट्स है उन्हां दी कलैक्शन नूं आपां की कहने हैं पार्टीशन, पार्टीशन नूं पी नाल डिनोट करते हैं आपां, उन्हां दी पार्टीशन नूं आपां की कहने हैं पी कलैक्शन नूं, ठीक है, सबसैट्स दी, ए दे सबसैट्स दी कलैक्शन नूं आपां की कहने हैं पार्टीशन कहने हैं। कदों कहने हैं पार्टीशन, कंडीशन की है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन सोन, मीन्स जिन्हें भी ये सबसैट्स है ए की बन जाए उन्हें सारे की यूनियन, जब आप उन्हें सारे की यूनियन लेए तो अपने को ए सैट बन जाए। एंड सैकेंड कंडीशन की है कि इन्हों की आपस के इंटरसैक्शन की होनी चाहिए है फाई, मीन्स आपस इन्हों सबसैट्स का कोई भी एलीमेंट है जरा कॉमन नहीं होना चाहिए, इंटरसैक्शन की होनी चाहिए है फाई होनी चाहिए है, डिसजॉइंट सैट्स होने चाहिए, कहने का मतलब यह है कि डिसजॉइंट सैट्स की जो आप यूनियन लीए तो अपने को सैट ए ही बन जाए, तो यह जी सबसैट्स की कलैक्शन आप कहने पार्टीशन ऑफ दिस नॉन एम्प्टी सैट कहने। समझ आया, क्लीयर, अपने कोई नॉन एम्प्टी सैट ए है, ठीक है, वो आपने कुछ सबसैट्स लते गए, सबसैट्स किस तरह के है कि जो आप सबसैट्स की यूनियन करते हैं तो अपने को सैट ए ही बन जाता है, तो आपस के सबसैट्स की है डिसजॉइंट सैट्स है, डिसजॉइंट मीनस इन्हों कोई भी एलीमेंट कॉमन नहीं है, इन्हों की इंटरसैक्शन की है फाई है, जो अजिहे सैट्स की सबसैट्स दी कलैक्शन नूं आपां की कहने हैं पार्टीशन ऑफ दिस नॉन एम्प्टी सैट ए कहने हैं। क्लीयर, इहदी आपां एग्जाम्पल करांगे, एग्जाम्पल तो तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। एक चीज़ होर ध्यान नाल देख लो इत्थे कि ए वन ए टू ए थ्री जिहड़े भी सबसैट्स है उन्हां नूं आपां की कहने हैंगे, सैल्स भी कह सकते हैं तो ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, दीज आर द सैल्स और ब्लॉक्स ऑफ द पार्टीशन पी, ठीक है, जी अपनी पार्टीशन है वो ये कि बन जाते सैल्स या ब्लॉक्स के। हुण आपां एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल तो तुहानूं समझ आएगा कि पार्टीशन की होंदी है, पार्टीशन ऑफ ए सैट, आपने सब तो पहले कोई नॉन एम्प्टी सैट ले लिया ए जिदे विच एलीमेंट्स है ए बी सी, जिन्हें मर्जी हो सकते एलीमेंट्स, कोई जरूरी नहीं है गा बहुते ज़्यादा ही होणगे जां थोड़े, ये जिन्हें मर्जी हो सकते, आपने ए सैट लता नॉन एम्प्टी सैट होना चाहिए, मीनस कोई ना कोई एलीमेंट होना चाहिए, ठीक है, आपने ए सैट लता तो हुण इहदे विच की हैगे इह की बनदे हैं इहदियां पार्टीशनस बनाईआं गईआं, जिवें कि सब तो पहली पार्टीशन ये किसी भी तरह की हो सकती है पार्टीशन, एग्जाम्पल तो देखो जिवें कि पी वन पार्टीशन है, इहदे विच जिहड़े सबसैट्स है वह आपने की लता है, पहला सबसैट हैगा अपने को ए, दूजा सबसैट हैगा बी, तीजा सबसैट हैगा सी। हुण तुसीं इहनां नूं ध्यान नाल देखो, दिस इज़ द सबसैट ऑफ सैट ए क्योंकि ए नूं जांदा है, दिस इज़ आलसो सबसैट ऑफ ए, दिस इज़ आलसो सबसैट ऑफ सैट ए, है ना, तीनों ही की है ये, एक तरह के इन्होंने एलीमेंट्स लिखे हुए है, इन्हों ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, इदा भी लिख सकते हो, ए वन की वैल्यू की है तुहाडे कोल ए, ए टू की वैल्यू बी, तो ए थ्री की वैल्यू की है सी एलीमेंट, ठीक है, ए वन ए टू ए थ्री लिखे से ना, इन्हों जो नाम देना हो ए ए टू ए थ्री दे सकते हो। हुण ये तीनों ही की है ए दे सबसैट्स है, तो तीनों ही तुसी जे देखो हुण ध्यान आपस दे विच की है डिसजॉइंट है, जिन्हां दे आपां इंटरसैक्शन कढ़न लगीए ए वन इंटरसैक्शन ए टू इंटरसैक्शन ए थ्री, जे तुसी इन्हां दी कढ़ो
तो तुहाडे कोल इंटरसैक्शन की आ जाएगी फाइव आ जाएगी ना, क्योंकि कोई भी एलीमेंट कॉमन नहीं हैगा। तो जे यूनियन करोगे इन्हों की A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करोगे तो वापस ABC सैट यही बन जाएगा। तो इट मीनस ये दोनों कंडीशन ये सैटिस्फाई होंगी है, दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होंगी। P1 इज़ द पार्टीशन होगी। सैकेंड पार्टीशन आपने लती इस तरह की ए तो BC एक जलेगी, ठीक है। हुण इहदे विच किन्ने सैल्स अपने कोल A1 ते A2 दो सैल्स, इहदे विच तीन सीगे विच दो ही हैगे। A1 दी वैल्यू हैगी है A ते A2 दी वैल्यू हैगी BC। क्लीयर, जे आपां हुण इहनूं दोनों कंडीशनस आह अप्लाई करके देखो सैटिस्फाई हुंदी है। जे आपां यूनियन करदे हां, देखो यूनियन करांगे A1 यूनियन A2 तां अपने कोल की बन जाएगा ABC, सैट A बन गया। तो इंटरसैक्शन करके देखो कोई भी एलीमेंट कॉमन नहीं हैगा, तो इंटरसैक्शन की हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये ए है, इस बी सी है, इंटरसैक्शन अपने को लेके होगी 5 होगी। तो इट मीनस की हो गया गा ए भी पार्टीशन बन रहा। इस तरह तुसी आह बाकी दियां पार्टीशन किसी भी तरह की पार्टीशन हो सकती है, तुसी चैक करो। क्लीयर, तो यह की है सारिया दे सारिया पार्टीशन बन गए। इस तरह इन्हों आप कहने हैं पार्टीशन ऑफ द सैट कह दें। क्लीयर, समझ आ गया बेटा। उस बाद सैकेंड एग्जाम्पल, इन्होंने सैट ऑफ इंटीजर्स लती हुई है जी एन द कलैक्शन पी इज इक्वल टू एन, जी सिंगल सिंगल एलीमेंट एन की वैल्यू की है 1, 2, 3, सिंगल सिंगल एलीमेंट आप लै रहे हैं, तो इट इज़ आल्सो द पार्टीशन ऑफ जेड। नैक्सट जो डेफिनेशन है बेटे, डेफिनेशन ध्यान न करने, पार्टीशन ऑफ सैट, मिनीम सैट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन थोड़ा हर जगह पर यह काम आनगियाँ डिस्क्रीट दे। मिनिमम सैट नैक्सट जी डेफिनेशन है वह कि आ जाती है, मिनिमम सैट और मेन सैट और मेन टर्म, ये काफ़ी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जी आप यूज करते हैं डिस्क्रीट मैथ दे। मिनिमम सैट किनू कहते हैं, मेन सैट तो मेन टर्म तीनों इको ही डेफिनेशन के नाम है। मिनिमम भी कह देंगे, मेन भी शॉर्टकट कह देंगे, मेन टर्म भी कह देंगे। तो यह किस तो बन मिनिमम सैट, लैट AB ए नॉन एमटी सैट। आपने सब तो पहला की किया एक नॉन एमटी सैट लता ए एंड B1 B2 सोन BN एनी सबसैट्स ऑफ ई, तो B1 B2 सोन BN की है ए दे सबसैट्स लै रहे, जिमें उपर आपने A1 A2 सोन AN लते सी, इस इन्होंने B1 B2 सोन BN सबसैट्स लै ले ए दे। दैन द मिनिमम सैट जनरेटड बाय द कलैक्शन, मिनिमम सैट के होएगा जनरेटड बाय द कलैक्शन की तो जनरेट करेगा, कलैक्शन ऑफ B1 B2 सोन BN इज ए सैट ऑफ द टाइप B1 इंटरसैक्शन D2 इंटरसैक्शन सोन इंटरसैक्शन DN। इतने D1 D2 की जगह पर बेटा तुम B1 B2 भी पा सकते हो, कोई फर्क नहीं पैंदा है, इन्होंने अलग तो एक होर नाम ले लिया D1 D2, ठीक है। इतने B1 B2 भी पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हैगी। क्लीयर, तो मीनस की है मेन पॉइंट जरा समझन वाला है, वह की है कि मिनिमम सैट आप किनू कहने है ए दे सबसैट्स दी इंटरसैक्शन, ठीक है। ए दे सबसैट्स है जेडे B1 B2 सोन BN, ठीक है। ये जो भी यह सबसैट्स है उन्होंने जो आप इंटरसैक्शन करते हैं, देखो एक चीज़ होर ध्यान च रखनी है, B1 B2 जिहड़े आपां ने लते हैगे B1 भी आ सकदा इहदे विच ते B1 कॉम्पलीमेंट भी आ सकदा, B1 ते उहदा कॉम्पलीमेंट। कॉम्पलीमेंट आपां पिछे करके आए सी ना डैश, कि जो एलीमेंट्स B1 च नहीं हैगे उह इहदे कॉम्पलीमेंट चले जांदे हैगे। तां इही चीज़ आपां ने इत्थे जिहड़ी हैगी कीती हैगी कि इहनां दे जदों आपां इंटरसैक्शन करदे हैगे सबसैट्स दी, वह B1 भी हो सकता है, B1 B2 सोन BN भी हो सकती है, तो इन्हों के कॉम्पलीमेंट की इंटरसैक्शन भी हो सकती है। तो उस इंटरसैक्शन नू आपां की कहने हैंगे मिनिमम सैट कहने हैंगे, ठीक है। मिनिमम सैट कह सकते हैं, मेन सैट कह सकते हैं, मेन टर्म कह सकते हैं, ठीक है। समझ आया बेटा, इनू एग्जाम्पल नाल समझो, जिमें कि अपने को है द मेन सैट्स जनरेटड बाय टू सैट्स। आपने मेन सैट्स लिखने हैं जेडे कि दो सैट्स तो, हुण इहदे विच देखो आपने दो सैट ही लवेंगे, दो सैट्स तो मेन सैट्स केड़े केड़े जनरेट करते हैं। B1 ते B2 आपने दो सबसैट्स लते हैं,
बी वन ते बी टू इन्हों तो अपने को ले, ए अपने को ले कोई भी नॉन एम्प्टी सैट ले लिया, बी वन बी टू की है ये दो सबसैट्स है ना, बी वन बी टू आर एनी सबसैट्स ऑफ ए, बी वन बी टू की ये सबसैट्स है, तो ये तो अपने को जे मिनीम सैट बनने वो कि बन सकते हैं, दो दो सबसैट्स तो अपने को मिनीम सबसैट्स बन सकते हैं, इन्हों आप अलग अलग नाम दे लेंगे, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर देवे, ए वन पहली तरह का सबसैट कि बन जाएगा बी वन इंटरसैक्शन बी टू डैश, ठीक है, यानी कि बी वन इंटरसैक्शन, देखो इंटरसैक्शन का साइन पैंता मिनीम सैट्स ये चीज़ ध्यान रखनी है, सैट्स कि हो सकते बी वन बी टू डैश हो सकता है, बी वन तो बी टू इंटरसैक्शन इन दोनों की भी इंटरसैक्शन हो सकती है, एक का कॉम्पलीमेंट पा के फिर उसकी भी इंटरसैक्शन, फिर ये बी वन का कॉम्पलीमेंट पा लिया बी टू एज इट इज़ रख लिया इन्हों की इंटरसैक्शन, फिर दोनों का कॉम्पलीमेंट, क्लीयर समझ आया बेटा, ये आप करा कितों शुरू करा बी वन इंटरसैक्शन बी टू तो तुम शुरू कर सकते हो गे दोनों की इंटरसैक्शन, फिर अगले स्टैप के एक का कॉम्पलीमेंट पा लिया दूजा सिंपल रख लिया बी वन इंटरसैक्शन बी टू डैश, तीसरे के पहले का कॉम्पलीमेंट पा लिया दूसरा एज इट इज़ रख लिया, चौथे के दोनों का कॉम्पलीमेंट पा के उन्होंने इंटरसैक्ट, ये अपने को बनाते है ये मिनीम सैट बनाते है, जो आप किसी सैट के सबसैट्स की इंटरसैक्शन ज बनाने है इंटरसैक्शन लेंगे है उस तो जो सैट बनता उन्होंने की कहें है मिनीम सैट कहें, क्योंकि इंटरसैक्शन तो जो सैट बनेगा वह की बनेगा मिनीम सैट बनेगा। हुण इहदे विच की सीगे आपां ने दो सबसैट्स लते सीगे, अगे आपां तीन सबसैट्स भी लै सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी सैट दे आपां तीन सबसैट्स लैके उन्हां तो मिनीम सैट बना सकते हैं। हुण बेटा ये चीज़ तुसीं इत्थे याद रखनी है जी, जिन्ने सैट होणगे उन्ना जिन्ने ज़्यादा सैट ले जावांगे उन्ने ज़्यादा मेन सैट्स बन गए, ये किवें पता लगेगा तुहानू कि तुसीं तुहाडे किन्ने मेन सैट्स बन सकते हैं, टू दी पावर एन, टू दी पावर एन तो तुहानू पता चलेगा, देखो इत्थे आपां ने किन्ने लते सीगे दो सबसैट्स लते सी, ते जदों आपां दो दी पावर दो करते हैं तो अपने कोले फोर मेन सैट्स बन गए, ठीक है। हुण इत्थे आपां की लै रहे हैं तीन लै रहे हैं सबसैट्स, तो टू दी पावर जदों आपां थ्री कीती गई इहनू कैलकुलेट करके देखो तीन बार टू इंटू टू इंटू टू एट आ गया, तो मीनस ये किन्ने मेन सैट्स बनने अपने को एट स मेन सैट्स बनेंगे, जो आप तीन सबसैट्स लै रहे हैं, जे सपोज आप चार लै रहे हैं तो टू की पावर की करा आप फोर करा टू न चार बार तुम इतने लिख लो, क्लीयर, तो थोड़े को किन्ने बन गए गे सोलह, तो जे आप फोर सबसैट्स लवेंगे ना तो अपने को मेन सैट्स किन्ने बनेंगे सिक्सटीन बने, क्लीयर। हुण ये चीज़ ध्यान रखना जिन्ने ज़्यादा सबसैट्स ले जावे उन्ने ज़्यादा मेन सैट्स अपने को बनी जाएंगे। बनाने किमें यह बनाने का तरीका बहुत ईजी है, आप बहुत ईजी तरीके तो शुरू करते हैं कि जिमें तुसीं बी वन आखो हूँ ये एट सबसैट्स बनाने तुसीं एक तो एक कॉम्पलीमेंट देखो कॉम्पलीमेंट लेना ये तुसीं कॉम्पलीमेंट हरेक नूं दे जाना सबसैट नूं बी वन इंटरसैक्शन बी टू इंटरसैक्शन बी थ्री डैश लास्ट वाले नूं कॉम्पलीमेंट देता पहले सैट च अगला सैट लिखोगे लास्ट वाला छड़ दो दूसरे वाले नूं कॉम्पलीमेंट दे दिता क्लीयर। उस तो बाद इन्होंने की किया गा पिछले दोनों नूं कॉम्पलीमेंट दे दिता गा फिर पहले वाले नूं कॉम्पलीमेंट दे दिता गा फिर तिना नूं ही कॉम्पलीमेंट दे दिता गा फिर पहले दो नूं कॉम्पलीमेंट दिता गा तीसरे नूं छड़ दिता पहले तो तीजे नूं कॉम्पलीमेंट दे दिता गा दूसरे नूं छड़ दिता ठीक है तो फिर तिनों ही बिना कॉम्पलीमेंट हो गया क्लीयर। ये किसी मर्जी तरीके नाल तुसीं कि इहनूं याद कर सकदे होंगे इहनूं इदां भी जा सक मतलब तुसीं पहलां तिनों ही इंटरसैक्शन लै लो कोई कॉम्पलीमेंट ना लो फिर एक एक नूं तुसीं कॉम्पलीमेंट दिंदे चले जाओ जिमें कि बी डैश नूं दिता फिर बी टू डैश नूं दिता फिर बी वन डैश नूं दे दो कॉम्पलीमेंट बाकी दे दो सिंपल रह जाएंगे ठीक है फिर दो दो नूं कॉम्पलीमेंट दे जाओ एक एक नूं खाली रखी जाओ क्लीयर तो फिर एंड ते तिनों ही कॉम्पलीमेंट वाले आ जाएंगे क्लीयर। इस तरह तुसी की कर सकते हो इन्हां नूं मेन सैट्स नूं लिख सकते हो समझ आ गया बेटा बहुत ईजी इहदे विच मेन सैट की हुंदा अपने कोले इंटरसैक्शन हुंदी हैगी कोई से भी दो सबसैट्स की कोई भी सैट लै रहे हो उहदे
जो आप सबसेट्स की इंटरसैक्शन लेंगे उस तो जो सैट बनता है उन्होंने आप कहने है मेन सैट कहने। क्लीयर। इस तरह ही दूसरी जी डेफिनेशन अपने को हैगी है वह हैगी है मैक्स सैट की हैगी है। मैक्स सैट मैक्सीम सैट भी कह देंगे इनू, मैक्स टर्म भी कह देंगे है। ठीक है, ये की होंगे यदा उल्टा होंगे डे वो सिर्फ बाकी सब कुछ सेम होएगा। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सैट दिता होगा बी वन बी टू ये की एनी सबसैट्स हो गए, बट मैक्स सैट की होंगे यूनियन यूनियन ऑफ दीज सबसैट्स। ठीक है, ये इंटरसैक्शन की जगह पर की आ जाता यूनियन आ जाता, बाकी सारा तरीका जरा वह की है अपना सेम होंगे। क्लीयर, दैट इज द मैक्स सैट। उस तो बाद अपने को ले आ जाती हैगी वेन डायग्राम आ जाती है वेन डायग्राम ऑफ मेन सैट। मेन सैट की आप वेन डायग्राम देखो आह चीज़ रिमार्क उही लिखा टू द एंड तो आप पता कर सकते हैं, इनू ध्यान से रखियो। वेन डायग्राम ऑफ मेन सैट, वेन डायग्राम किमें फाइंड आउट करनी है मेन सैट की। हूँ जे अपने को ले दो सबसैट्स है बी वन बी टू, बी वन बी टू की अपने को ले दो सबसैट्स है, यदि वेन डायग्राम आप किमें बनाऊंगे। देखो आ जो स्केयर है यह कि अपना ए सैट है, बी वन तो बी टू दोनों की है ए सैट के सबसैट लेके चले, इस करके दोनों सर्कल की ये बिच चले गए। तो दोनों की है इन कुछ ना कुछ कॉमन भी है, बी वन इंटरसैक्शन बी टू की वैल्यू निकल रही है ना अपने को, तो यह डिसजॉइंट नहीं है कि आपस कितना कितने इंटरसैक्ट करेंगे। क्लीयर,